ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आप सुन, एसेसरीज में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए 27 की घात 2/3 गुणित 64 की घात 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। चार ऑप्शन भी आप सामने कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए 27 की घात 2/3 है ना, तो 27 की घात 2/3 है, इसको पावर में अपन बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे दोस्तों। देखिए 27 की पावर 2/3, तो 27 है ना, इसको 3 की पावर 3 हो सकती है और होल पावर 2/3 ये वाली। इसी तरह गुणित ये है 4 की पावर 3 हो सकती है और 2/3। अब यहाँ 3 से 3 कट गया, यहाँ भी 3 से 3 कट गया, 3 की पावर कितनी बची 2, 3 की पावर 2 × 4 की पावर 2, ये दोनों पावर समान है, दोनों पावर समान है, तो अपन इसको क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। दोनों ही पावर समान है तो उसको कॉमन ले लेंगे, तो 2 पावर आ गई और कोष्टक में क्या 3 × 4 × 3 = 12 और 12 का स्क्वायर 12 = 144, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया। इस तरह अगला क्वेश्चन देखिए, -x^-4/5 = 81, तो x को मान लेते हो, अब ये माइनस में तो उसको 1/ ले लेंगे, कि 1/x^, या अभी अपन ऐसे भी कर सकते हैं। देखो देखो x^-4/5, देखो x^-4/5 तो 81 की पावर यानी कि 3 की पावर 4 हो सकती है, 3 की पावर 4, 3 की पावर कितनी है 4। अब 3 की पावर 4 है, यहाँ पे इस x^4 ये सब ऐसा हो सकता है। देखिए 1/4/5, चलो इसको अगले टर्न पे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए 3 की पावर n, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 3 की पावर n हो जाएगा और रूट का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 हो जाएगा और 3 की पावर 81 में 4 हो जाएगा, तो 3 की पावर n/2 = 3 की पावर 4। जब ये बेस बराबर है तो पावर बराबर होगी, n/2 = 4 और n/2 = 8, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला देखिए 4/5 को प्रतिशत में बदलिए, तो 4/5 × 100 आ जाएगा, तो 5 से काटा 5 × 10 20 = 80 = 80%, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगले देखिए, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत आय का 12% बचाता है और खर्च में कितना करता है, 19,366 रुपये खर्च करता है, तो आय कितनी है। देखिए उसकी आय कुल अपने आप में कितनी होती है दोस्तों, 100% होती है, इसमें से 12% तो खर्च करता है, तो बचाता कितना है वो देखो, खर्च 12%, तो बचत कितनी होगी 88% है ना, और ये जो 88% का मान है ये किसके बराबर है, 19,360 के बराबर है, 11,888 देखो, 11 × 8 = 83, तो 11×7 = 87 और ये 83 में से 77 घटाए तो 3×6 = 6, 6×6 = 66, 11×6 = 66 ये 0 और 8 से काटें तो 8×8 = 8, 8×2 = 16 और 8×2 = 16, 220 ये 1% का मान है,
अगर 100% का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, दो सिफर और यह लग जाएगी 22,000। सी ऑप्शन राइट आंसर। तो उसके बाद खर्च कितना होगा, आय 12% होगी। उसकी मासिक आय 22,000 होगी। राम अपने वेतन का 20% वृद्धि और के बाद भी सर तुम कम हो जाता है तो वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए दोस्तों, वृद्धि और कम दोनों अगर बराबर सेम पॉइंट में हो तो कुछ नहीं करना, 20% बटा 20 बटा क्या होगा, देखो 20 होल स्क्वायर, तो 20 कितना होगा 400 बटा 100। दो सिफर दो सिफर के बराबर 4% की कमी। सी ऑप्शन राइट आंसर। एक महीने की 20% 220% की वृद्धि और 150% की वृद्धि की जाए हर में तो भिन्न 4/7 हो जाती है। देखो भिन्न क्या होगी, x/y, इसको भिन्न बोलते हैं। 220% 100 में जोड़ेंगे तो 320 और ये हर 150 यानी कि 250 बराबर 4/7 हो जाती है। सिपर सिपर कट गई, 4 × 4/32 और 4/5 यहाँ पे और 5×5=25 तो x/y बराबर 5/8। ये ऑप्शन राइट आंसर। इस तरह रामिक परीक्षा में 42%, गणित में 52%, वैंगजी में अनुत्तीर्ण 17%, दोनों में अनुत्तीर्ण 46 उत्तीर्ण होते हैं तो कुल अभ्यर्थी कितने हैं। देखो परीक्षा गणित में 42% गणित में, देखो ये VNRX से इसको समझेंगे अपन, है ना, जो दोनों को होता है कितना 17%। अब 42 तो 42 में 17 गए कितने बचे, 12 में 7 गए तो 5, 3 में से 1 गया तो 2, 25%। इस तरह 12 में 7 गए तो 4 में से 1 गया तो 3, 35%। ये सब अनुत्तीर्ण है तो इनको जोड़ लो, 25 + 17 + 35 तो 10 × 7 = 17 के 7 × 1 = 4 + 3 = 4 + 5 = 7 77% अनुत्तीर्ण। तो 100 - 77 कितने बचे, 33 ये पास और बराबर 46 23 1% का मान बराबर 2 आएगा तो 100% का मान कितना आ जाएगा 200, तो 200 अपना राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों, वीडियो चलो लाइक करें, चलो सब्सक्राइब बनाना।